morning, student. This is Amardeep Kumar of Gateway School as a computer teacher. आज हम डिस्कस मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने पूरे चैप्टर वन क्लास थ्री का चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम ये मैंने कवर कर लिया. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन आंसर एज वेल एज द समरी ऑफ द होल चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया द कंप्यूटर सिस्टम में कि क्या होता है कंप्यूटर, व्हाट यू मीन बाय कंप्यूटर. मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कंप्यूटर क्या होते हैं. इसके बाद मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर वट एवर. एज वेल एज मैंने ये भी बताया आपको कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वर्किंग एफिशिएंसी क्या क्या है. तो और इसके बाद फीचर ऑफ द कंप्यूटर के बारे में मैंने डिस्कस किया. इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने डिस्कस किया था. तो आते हैं हम लोग सबसे रिवीजन करते हैं जो चैप्टर पेज नंबर 13 निकालेंगे सारे स्टूडेंट. ठीक है, इसमें जो ऊपर में कुछ समरी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रिवाइज कर लेंगे, एक जो है ना समराइज कर लेंगे पूरे चैप्टर को. ठीक है, कुछ पॉइंट दिए हुए यहाँ पे उसको मैं उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. क्या है एक कंप्यूटर, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सबसे पहली बात क्या है कंप्यूटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो हमें पता है और आपको भी पता होगा. ठीक है, देन आपको सेकेंड जो है हमारा क्या कि एक कंप्यूटर वर्क ऑन द IPO साइकिल. मैंने बताया था इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कंप्यूटर किस साइकिल पर वर्क करता है, IPO, दैट इज द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. थर्ड जो है हमारा क्या, द डेटा और इंस्ट्रक्शन बी गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को फीड करते हैं देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट इनपुट बोलते हैं. और इनपुट और ये डिवाइस जिस डिवाइस से हम यूज़ करते हैं दैट इज द इनपुट डिवाइस. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे, सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं. देन आपको जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द कन्वर्सन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ CPU इज नोन एज प्रोसेसिंग. जो भी डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ CPU उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं. ठीक है, ए CPU मेड अप ऑफ किस किस चीज़ों से CPU बना हुआ होता है, ALU, CU, MU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड दैट इज द MU मेमोरी यूनिट्स. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने भी वर्क के बारे में मैंने बताया था, तो वीडियोज आप देखेंगे उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है CU, MU एंड L. देन आफ्टर मैंने आप लोग डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. जो भी प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है. ठीक है, और जिस डिवाइसेस का हम यूज करते हैं आउटपुट को गेट पाने के लिए जिसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आउटपुट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मोनीटर प्रिंटर एंड स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइस. ये सारे के सारे क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस है. कौन कौन, मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर बोले या फिर स्पीकर, ये सारे क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस है. देन आप अगर हम बात करें दैट इज द हार्ड डिस्क पेन ड्राइव एंड सीडी रोम आर द स्टोरेज डिवाइस. ये सारे क्या है हमारे स्टोरेज डिवाइस है. हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया या सीडी रोम हो गया, सारे क्या है हमारे स्टोरेज डिवाइस है. कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फीचर्स. देखिए कंप्यूटर क्या है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही यूजफुल है. क्यों, क्योंकि इसके पास यूनिक टाइप के क्या है इसके फीचर्स है. मैंने बताया था आपको कैसे क्या क्या यूनिक फीचर. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें कि बहुत ही फास्ट वर्क करता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसके जो है ना पावर होती है कैलकुलेशन करने का और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का. ठीक है, तो समझ सकते हैं कि पर सेकेंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब ये प्रोसेस कर सकता है तो ये कितना फास्टेस्ट मशीन हो सकता है. इसके बाद स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई है और भी बहुत सारे फीचर, रेजिलेंस है. ठीक है, एक्यूरेसी लेवल बहुत ही 100% होती है. इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको. तो इस तरह से क्या करता है कि कंप्यूटर के पास यूनिक फीचर होने के कारण ये बहुत ही यूजफुल मशीन होता है. इसके बाद अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के डिफरेंट तरह के कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग प्रकार के क्या हैं हमारे कंप्यूटर हैं. और इसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेम साइज एंड वर्किंग एफिशिएंसी एज वेल एज द कॉस्टिंग, इसके अकॉर्डिंग सभी को क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड किया गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में. तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया पिछले क्लासेस में, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. इसके बाद आज मैंने समराइज किया पूरे चैप्टर को. इसके बाद जो हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर
पेज नंबर आप चैप्टर वन का पेज नंबर आप 13 निकालिए, ठीक है। इसमें हम लोग पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे व्हाट द क्वेश्चन आंसर, जो भी फिल्म में ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हैं और रिकॉर्ड द करेक्ट आंसर है, इन सभी को हम अच्छी तरीके से समराइज करेंगे और एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। और यू हैव टू ऑल्सो मेक अ प्रॉपर कॉपी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग एक प्रॉपर हैंड राइटिंग में आप लोग को पूरे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन सिस्टम बनाने हैं और भी जो मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किया है उन सभी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम का एक अच्छे से एक डायग्राम बनाइएगा उसमें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पेज नंबर 13 का जो टी और द करेक्ट आंसर में है वन टू में। सबसे पहले हम टी का बात करते हैं तो हम डिस्कस कर देते हैं टी करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन कार में जो भी चीजें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे ठीक करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट में तो फिल द ब्लैंक डज ऑल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, कौन जो है सारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। फिल द ब्लैंक सबको टिक करना है, टिक करके फिल भी करना है, ठीक है। तो ए की बात करें तो ए ऑप्शन ए में आपको दिखा है सी यू, तो सी यू क्या करता है हमें तो आपको पता है सी यू कंट्रोल यूनिट। बी जो है दैट इज द ए एल यू दैट इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड सी दैट इज द एम यू मेमोरी यूनिट। तो हमारा कैलकुलेशन का काम जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उसका कौन कौन करता है ए एल यू दैट इज द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो बी का ए का बी हो गया दैट इज द ए एल यू, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं डिस्कस करते हैं अबाउट द सेकेंड फिल द ब्लैंक्स व्हाइल द इंडिया फॉल्स सुपर कंप्यूटर डेवलप इन 1991 में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था। फर्स्ट डी ऑप्शन में अगर चलते हैं तो बात किया जा रहा है क्या नाम दिया गया प्रत्युष, ठीक है। सेकेंड बी जो है दैट इज द परम एंड सी जो है सर्वर। तो इन सभी में से क्या हो गया बी, जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज द परम बी ए आर ए एम। दिस इज द सुपर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन 1991, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन पर मैं करता हूँ इम्पोर्टेंस एक कंप्यूटर गिव्स इन द ब्लैंक रिजल्ट। कंप्यूटर जो है ना देता है आपको रिजल्ट, कैसा रिजल्ट देता है ए फॉल्स वी इनकरेक्ट सी एक्यूरेट। तो आपको पता है कंप्यूटर कैसा रिजल्ट देता है 100% एक्यूरेट होता है कंप्यूटर। इसके ऑप्शन क्या होते हैं इसके आंसर होंगे सी दैट इज द एक्यूरेट। तो सारे बच्चे बनाएंगे इसे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 13 का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द डेटा और द इंस्ट्रक्शन वी गिव्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्टोरेज दैट इज द ए ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैंने आप चैप्टर पेज नंबर 14 मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए नेक्स्ट पेज दैट इज द पेज नंबर 13 मैंने एक्सप्लेन किया, अब पेज नंबर 14 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें जो बी सबसे पहला आपको दिखेगा दैट इज द फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, कुछ वर्ड दिए हुए हैं उसके हिंट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है नीचे फिल करना है सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो पहला आपको दिखेगा बी का फर्स्ट जो क्या है हमारा फर्स्ट में डेस्कटॉप लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर आर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर। डेस्कटॉप लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर को किस कंप्यूटर की में क्लासिफाइड हम करते हैं मिनी माइक्रो सुपर या मेनफ्रेम। तो आप ऊपर में ऑप्शन आपको देखेंगे सीपीयू इंफॉर्मेशन सीयू माइक्रो या सॉफ्ट कॉपी। तो हमारे ऊपर पता है कि लैपटॉप टैबलेट डेस्कटॉप इन सभी को हम किसमें कंप्यूटर क्लासीफाइड करते हैं दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड की बात करें हम तो दी फिल द ब्लैंक्स कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, सारे पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है हमारा सीयू दैट इज द कंट्रोल यूनिट जिसमें फिल करके सेकंड में सीपीयू। थर्ड की अगर हम बात करें दैट इज द मेमोरी ऑफ दी फिल द ब्लैंक स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी मेमोरी होता है किसकी मेमोरी को स्टोर करता है हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। तो सीपीयू सीपीयू में हम ऑप्शन से पढ़ चलेंगे
थर्ड फोर्थ जो है द मीनिंगफुल एंड द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जो मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है हमारा डेटा का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मैंने डिस्कस किया है फोर्थ में, आप देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम फिफ्थ की बात करें एन ऑट ए प्रिंट आउट ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑन ए पेपर इज कॉल्ड, जो सॉफ्ट कॉपी को जो हम प्रिंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी लिखे गए इज एन आउटपुट डिवाइस, हार्ड। इसके बाद राइट ट्रू फॉर द राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स, टी का यूज करेंगे ट्रू के लिए एंड एफ का यूज किस इसके करेंगे हम लोग फॉल्स के लिए। तो चलते हैं स्टेटमेंट, हम लोग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है उन सारे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो सी नंबर में हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, सारे बच्चे के पास बुक होंगे, सारे बच्चे बुक निकालेंगे और उसी में रीड करते जाएंगे और बुक सामने रखेंगे, इस तरह से और आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, स्टेटमेंट को समझा भी रहा हूँ, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको मिलेगा वो ये है द कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पस मशीन, क्या कंप्यूटर एक मल्टीपर्पस मशीन है? यस बिल्कुल है, ये स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। सेकंड की बात करें द वर्किंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज वेरी स्लो, क्या वर्किंग स्पीड कंप्यूटर का बहुत ही स्लो है? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत फास्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या है फास्ट। ये स्टेटमेंट क्या हमारा, दिस स्टेटमेंट इज फास्ट स्टेटमेंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द थर्ड, थर्ड ये क्या हमारा फॉल्स है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं एएलयू डज ऑल द प्रोसेसिंग, क्या एएलयू सारे प्रोसेसिंग का काम करता है? यस नहीं नहीं सॉरी, एएलयू तो अरिथमेटिकल का काम करता है ना, सीयू और एमयू भी तो काम करते हैं उसमें। इसके बाद द आउटपुट विच इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी, जो भी हार्ड स्क्रीन दिखा दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है ना, ये हार्ड कॉपी नहीं होने से बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोर इज द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस के बाद जो चीज़ स्टोर रिजल्ट होता है उसे हम स्टोर रिजल्ट होता है वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है स्टोर इज द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, फॉल्स है आउटपुट इज द रिजल्ट ना आफ्टर वी गेट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद ये स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। इसके बाद स्टोर होता है आउटपुट मिलने के बाद क्रॉस आउट द ऑड वंस, अब आपको क्या करना है पेज नंबर 14 हम निकालेंगे, इसमें ऑड वंस जो आपको डिफर मिलेगा ऑड मिलेगा उसे आप क्या करना है क्रॉस करना है। तो फर्स्ट में हम चलते हैं, ये हमारा क्या है फर्स्ट में हमारा देखेंगे तो ये हमारा क्या है लैपटॉप, सेकेंड में हमारा क्या है दैट इज द कंप्यूटर एंड थर्ड में हमारा क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, थर्ड में हमारे माउस है एंड फोर्थ में हमारा नोटबुक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड थर्ड नंबर है माउस ये ऑड है क्योंकि ये बाकी सारे हमारे क्या है माइक्रो कंप्यूटर हैं और ये माउस हमारे डिफर है, तो इसी पे माउस को क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे। देन आपके नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव हार्ड डिस्क प्रिंटर एंड द सीडी, तो इसमें क्यों डिफर है आपका, ये जो प्रिंटर प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है बाकी सारे क्या है हमारे स्टोरेज डिवाइस है तो उसको आप क्रॉस कीजिए। थर्ड में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड स्कैनर और क्या है और ये क्या है माउस, तो इन सभी में क्या है हमारा डिफर, तो आपको डिफर मिलेगा ये सारे इनपुट डिवाइस है और ये हमारे थर्ड नंबर है वो क्या है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इस तरह से मैंने आपको आज के चैप्टर्स आज के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द समरी एज वेल एज द पेज नंबर 430 एंड पेज नंबर 14 को मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आगे के प्रोसेस आगे के क्वेश्चन आंसर हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सभी जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया सभी को आप कॉपी में प्रॉपर हैंड राइटिंग के साथ बनाएंगे और स्कूल में इसे सबमिट भी करेंगे। थैंक यू।